चलो कहता है वन वे इन विच द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर डिफर फ्रॉम पीएनपी। अब एनपीएन और पीएनपी में एक डिफरेंस, मतलब इसमें वर्किंग का एक डिफरेंस है, एक ऑपरेशन का डिफरेंस है, वो वाला चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है। ये दिख रहा है ना, इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या आपके लिए? जूम हो जाओ भाई। तो यहाँ से ये वाली चीज़, तो अब ये कहता है कि इमीटर जंक्शन, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है या पीएनपी होता है, एक बार ऐसे ही रफली आइडिया मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये एन है और ये डिप्लीशन, ये एन, ये पी और एन, ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। तो कहता है इमीटर जंक्शन इजेक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इनटू द बेस रीजन ऑफ पीएनपी। अगर पीएनपी की बात करोगे, जो जैसे पीएनपी है या एनपीएन है, तो ये पीएनपी अगर बात करोगे तो पीएनपी में जो है वो इमीटर इमिट जंक्शन, इमीटर तो इमिट करता है, ये तो बात सही है, और ये माइनॉरिटी इमिट नहीं करता यार, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है ना, तो माइनॉरिटी नहीं इमिट करता है और मेजोरिटी चार्ज कैरियर इमिट करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इमीटर इजेक्ट होल इनटू द बेस ऑफ द पीएनपी, इमीटर जो है होल्स इमिट करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस रीजन ऑफ एनपीएन। इमीटर, हाँ इमीटर इमिट होल्स इनटू द एनपीएन में, ये होल्स इमिट करेगा बेस में और ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, तो ऑब्वियसली ये बी ऑप्शन सही है, इमीटर इजेक्ट होल इनटू द एनपीएन। अब एनपीएन में होल्स में इमीटर इजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इमीटर इजेक्ट होल इनटू द बेस, मतलब बेस में ये इमिट नहीं करता है, ये बात आप देख सकते हो। एंड इमीटर इज रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में इमीटर जंक्शन जो होती है, इमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में होता है और बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस में होते हैं एक्टिव रीजन में, तो ये भी गलत है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको थ्योरी स्ट्रांग हो तो इसको कर सकते हैं, ये एक लॉजिक गेट।